तो ये गार्डन का व्यू है। बाकी अब नेक्स्ट जर्नी जो होने वाली है वो साबरमती रिवर फ्रंट साइड हो रही है, तो वो अच्छे से हो जाए उतना ही उम्मीद है। फिर और भी सोचे हैं, सो सब सक्सेसफुल ही हो जाए तो सही है, तो वीडियो आपको पूरा देखने को मिलेगा, वरना अब आधा अधूरा ही देख के चले जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, हम जितना देखेंगे आपको भी उतना दिखाएंगे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए मैं आपकी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो अभी तो कुछ ऐसे ही सैकड़े मैकड़े गली से चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक निकलते हैं। सो गाइस, कुछ अजीब जगह से हम जा रहे हैं, साबरमती रिवर फ्रंट, तो बहुत खास है, चलो देखते हैं। बाकी जिनसे पूछे, क्या बोल रहे हो, बाकी जिनको पूछे थे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा देख के जाना, क्योंकि वहां से गाड़ी बहुत स्पीड से निकलता है। बाकी निकला तो नॉर्मली जगह से, कहीं से पता नहीं, कभी मीडियम रास्ते पे ले जाता है, ये हमें तो कोई आइडिया नहीं है, हम तो फर्स्ट टाइम है। कभी अच्छे जगह पे ले आता है, कभी खराब जगह पे ले आता है, कभी अच्छे जगह पे ले आता है, तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ पे कहाँ तक चल रहे हैं हम। बाकी देख लो आप, ऐसा कुछ है सीन ऐसा कुछ बन रहा है। बाकी अब आप देख सकते हो रिवर फ्रंट, हम आ गए और वहाँ पे देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी का जो ब्रिज है वो सामने दिखाई दे रहा है, और बाकी गाड़ी फुल स्पीड में है यहाँ पे। नहीं, टिकट का है ना, टिकट का चलो देखते हैं, वो आगे ब्रिज का होगा टिकट का, बाकी इसका पता नहीं। तो चलिए पहले वहाँ पे इंटरेस्ट जगह है, तो मेरे भाई पहले फुटपाथ पे आ जा, फुटपाथ पे चल ले, फिर जाते हैं। गाड़ी बहुत स्पीड में है अभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, गाड़ी बहुत स्पीड में है। और ये रेलवे ब्रिज है ना, देख लो सभी लोग दौड़ दौड़ के गए, तो हमारा भी क्या भूल है, हम भी जाए दौड़ दौड़ के। बाकी ये हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं। आपने इनको पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा, बर्थडे वाले ब्लॉग में इनको देखा होगा, यही थे। सो ये कुछ साबरमती रिवर फ्रंट का व्यू है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी बैठे हुए हैं, खड़े रहने से मना किए हैं, और जगह जगह पे सिक्योरिटी बैठे हुए हैं, क्योंकि सुसाइड पॉइंट भी हो सकता है ना ये जगह, इसलिए। क्या बोल रहे हो, वीडियो ले लूँ क्या? चलो अब आपको यहाँ का शेयर किए हैं, कुत्ता डर गया है बेचारा। तो ये रेलवे ब्रिज है मेरे अनुसार से, हाँ रेलवे ही ब्रिज होगा। क्या हुआ, तू भी आ रहा है क्या साथ साथ में, क्या हुआ? वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा क्या? वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा ब्रो, फिर उधर से चढ़ के जाना पड़ेगा, उधर से पूरा चढ़ के। हाँ ये सब पानी देख पा रहा हूँ, तू भी देख पा रहा होगा ना मेरे साथ साथ में। चलो थोड़ा ये छाए में से चल रहे थे, बहुत पसीने वाले हो गए, पूरा दिन घूम रहे हैं और ये दोनों घुमा रहे हैं। सो देख लो, साबरमती ब्रिज में अहमदाबाद म्यूनसिपलिटी जो कॉरपोरेशन है वो पानी को स्वच्छ भी रख रही है साथ साथ में, जो भी कचरे फेंक रहे हो आप लोग उसको वो क्लीन कर रही है, तो कचरा मत फेंका करो इस सुंदर से पानी में और बिगाड़ा मत करो। बाकी व्यू का आनंद लो, आप देख सकते हो ये ब्रिज कितने सुंदर लग रहे हैं, और आप लोग आके ऐसे फालतू में जो पैकेट बोतल जो कुछ भी फेंक रहे हो वो मत करो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा खर्चा होता है। बाकी चलो ये तो आपकी बात है, बाकी अब डायरेक्ट ब्रिज में जाते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस, वहाँ से लेकर लास्ट से लेकर यहाँ तक हम चल के आए हैं, थक भी गए हैं, तो अभी पूरा ब्रिज चलेंगे।
सुना है कि पूरा कांच का बना हुआ है, तो चलिए आज आंखों से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अगर वैसा कुछ होगा तो बहुत ही सस्पेंस मोमेंट होगा और सरप्राइजिंग मोमेंट होगा हमारे सब के लिए और प्राउड मोमेंट होगा। पानी देख लो आप, पूरा क्लियर कैमरा में पानी आ रहा है, लेकिन पानी में भी बहुत सारा कचरा है। आप वहाँ भी देख रहे हो, वहाँ पे भी एक है, वहाँ पे भी देख रहे हो, वहाँ पे भी एक है। साफ करने के लिए बहुत बहुत जगह लगाया हुआ है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, ये सभी चीज़ें जो साफ कर रहे हैं, ड्रेनेज कर रहे हैं। बाकी चलिए अब ऊपर, वो तो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, लेकिन चलो हम चल सकते हैं उतने स्पीड में, तब तक आपको दिखाते हैं। तो चल चल कर थक चुके हैं, लेकिन जगह आ ही नहीं रहा है। सो अब जाके लग रहा है कि अब आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है, पर अब लग रहा है कि अब आ जाएगा फाइनली में। चलो चलते हैं, बाकी आपको ऊपर तक दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, सब चीज़ आपको दिखाएंगे। सो ये है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी होते हैं, यानी कि पुलिस फोर्स भी है। सो यहाँ से चल रहे हैं, वहाँ से जो आप देख रहे थे वो एग्जिट था। सो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कुछ है, बाकी आप जो वो स्टेयरकेस देख रहे हो वो एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ आम आम तो अंदर जाने के लिए सामने टिकट काउंटर है, तो मैं टिकट पहले लेके आता हूँ, फिर ही जा पाएंगे। देखते हैं कितना प्राइस है, फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए टिकट लेने के बाद आपको मिलता हूँ। मैंने 3 टिकट लिया है जैसे आपको बताया वो। अगर आप सिर्फ ब्रिज की लेते हो तो आपको 30 में पड़ेगा, अगर आप गार्डन की नहीं लेते हो तो 30 की ही पड़ेगा, बाकी अगर कॉम्बो लेते हो तो आपको 40 लेना पड़ेगा। तो 120 मेरा टोटल हुआ है, आप देख सकते हो आपके सामने ही टिकट है। आज का डेट है 11 सितंबर 2022। बाकी चलो सामने चल, बाकी बहुत पसीना वाला हो गया हूँ, लेकिन चलो तो भी दिखते हैं कैसे कैसा नहीं। सो चलिए देखते हैं आगे। तो इनको देना पड़ेगा टिकट, फिर ये काटेंगे, फिर आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। ठीक है ठीक है, इसीलिए 10 रुपये लिया होगा। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छी बात है, आपको वॉशरूम मिल जाता है ये गार्डन में। बाकी ब्रिज का सिर्फ 30 रुपये है ना, कॉम्बो में 40। हाँ कॉम्बो में लिए ना, इसलिए 40, वरना सिर्फ अगर ब्रिज की लेते हो तो 30 में। आले कॉम्बो में हूँ आपसे गार्डन अगर। चलिए बहुत ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा, चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अब तो 10 रुपये के लिए लड़ाई करेगा यार। ऊपर चढ़ते चढ़ते ही थक गए, जो भी पसीना है सारा निकल गया। ये कैंटीन होगा, हाँ ये कैंटीन है। बाकी आगे आइसक्रीम का भी ऑप्शन है। क्रैक है, हो गया क्रैक तो लग रहा है।
हले हो अभी सर एवं का लगे हले तो हाल माने हिल रहा थोड़ा फीलिंग आ रहा है हिलने के जैसा तो ये गार्डन का व्यू है बाकी पीछे देख लो हम यहाँ से एंटर हुए थे और वो ब्रिज रहा तो ये है गार्डन का व्यू बाकी नहीं। इन दोनों रहा है बाकी हम जा रहे हैं डायरेक्टली अब लेक में आप देख रहे हो ये गार्डन के ही मतलब बनाया गया है और इसमें रेनबो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर और बहुत ही क्लियर कट रेनबो दिखाई दे रहा है पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अगर आप आमने सामने आओगे तो रेनबो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा इस पानी में बाकी गार्डन का व्यू देख लो आप हमें पता है सिंपल ही कुछ इस तरह का है बाकी इन दोनों का अलग ही कुछ लगा हुआ है कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं बाकी हाँ इस गार्डन में आपको हर जगह कपल देखने वाले मिल जाएंगे और ये भाई साहब उनको परेशान कर रहा है उनको निकल रहा है भगवा रहा है तो जो कि बहुत अच्छा बहादुरी का काम कर रहे हैं तो मेरे अनुसार से इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए तो आप लोग क्या कह रहे हैं आप लोग भी कमेंट करो तो अभी जा रहे हैं उन सभी को भगाने के लिए एक आई थी बहुत सारे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं इस जगह को ख़राब कर रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है देख लो आप लोग व्यू बहुत अच्छा आ रहा है शानदार व्यू आ रहा है सो रिटर्निंग हम बाहर निकल रहे हैं ये लेक है ये लेक देख रहे हो आप जो कि कुछ फुवारा टाइप निकल रहा है सिर्फ वैसा ही रखा है ताकि पानी इतना क्लियर नहीं है बाकी चलो निकलते हैं आगे सो गार्डन के अंदर ये फ़ोटो शूट करने के लिए आपको ये जगह भी देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छा है आपके हाइट से भी मतलब अच्छा है हाइट टाइप हो जाएगा और बहुत बड़ा भी है चेस हल्का भी है कंफर्ट भी है तो फ़ोटो शूट के लिए ये बहुत अच्छा पड़ जाएगा आपको सो गाइस ये मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसके बाद हम डायरेक्टली निकल चुके थे ओला बुक करके हमारा नेक्स्ट टूर पे और वो था विंटेज कार म्यूजियम बहुत ही ऑसम था वो भी हमने कैप्चर किया है वो आपको नेक्स्ट हमारे इस वीडियो के बाद मिल जाएगा तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो मिलते हैं आगे की इसी की नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।